व्लॉग्स इनको को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। और ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 30,000 लोग आते हैं और त्योहार के समय तो ये आंकड़ा 5,00,000 को पार कर देता है। यहाँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। और रिएक्शन हम करते हैं, आप लोगों के लिए लाते हैं और आप लोग कहते हैं यार डिफरेंट रिएक्शंस भी करो, कोशिश हमारी पूरी रहती है। बहुत टाइम से हम डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, चाहे वो सिटीज पे हो, क्रिकेट पे हो, कार पे हो या मुख्तलिफ मूवीज पे हो, बहुत सारी फेस्टिवल्स पे हो। तो आज हम लोग एक और डिफरेंट रिएक्शन लेके आ गए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। तो जी, अब इंडिया में जो लोग रहते हैं उनमें से शायद काफियों को इन सारे टेम्पल्स का पता हो, लेकिन हमें तो नहीं कोई आइडिया। तो आज हम इनके नाम भी पता चलेंगे, शायद देखने को भी मिले हमको। और एक मुझे ज़रूर पता है, गोल्डन कलर का जो टेम्पल है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे सुना है पता नहीं कितने लाख लोगों को रोज़ खाना भी दिया जाता है। वो उसके बारे में मुझे ज़रूर पता है। तो जिस चैनल की ये वीडियो है, टॉप 10 हिंदी, इनसे हमने परमिशन ले रखी हुई है। इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाएं को भी जाके फॉलो करें। बाकी हम इसको देख लेते हैं एंड देखने की बात करेंगे, बातचीत, सो स्टे विद अस। टॉप 10 रिचेस्ट टेंपल्स ऑफ इंडिया। भारत धर्म, संस्कृति, कला, इतिहास और रीति रिवाजों का देश है। ये भूमि हमेशा से ही साधु संतों और महान आत्माओं से सुसज्जित रही है। यहाँ के राजाओं ने इस भूमि के कोने कोने में अपने समय की कला के अद्भुत नमूने पेश किए हैं। भारत देश के लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और यही कारण है कि हम अपने आराध्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में। 10. सोमनाथ मंदिर, गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये चालुक्य स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर की बहुत सी कलाकृतियां विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए थे। इस मंदिर के इतिहास में 7 बार पुनः निर्माण किया गया है। यहाँ का शिखर करीब 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और हर साल ये मंदिर 30 से 35 करोड़ रुपए की कमाई करता है। 9. सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई। अब इस मंदिर को तो कोई परिचय की जरूरत ही नहीं। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ हर दिन 25,000 से लेकर 2,00,000 लोग तक आते हैं। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति 200 साल पुरानी है और इसके ऊपर का गुम्बद करीब 4 किलो सोने से सजा हुआ है। यहाँ देश विदेश के सेलिब्रिटीज रोज ही आते रहते हैं, इसलिए यहाँ आपको सुरक्षा के कड़े इंतजाम हमेशा मिलेंगे। इस मंदिर की सालाना कमाई 125 से 150 करोड़ के करीब है। उससे भी ज्यादा। सबरीमाला मंदिर, केरल। सबरीमाला मंदिर के तो कोने कोने में धर्म बसता है। ये मंदिर एक 3,000 फीट ऊंचे पर्वत पर है और यहाँ भगवान अयप्पन के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना दान किया जाता है कि यहाँ अब लोग नहीं बल्कि रोबोट काम करने वाले हैं। यहाँ हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड़ के करीब दान आता है। वैसे सबरीमाला मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता और इसी को लेकर हाल ही में काफी विवाद भी हुआ था। 7. गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। अमृतसर स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और सिख धर्म के लोगों के लिए तो ये खास महत्व रखता ही है। इस मंदिर की सालाना कमाई कितनी है इसको गुप्त ही रखा गया है, लेकिन इस मंदिर का सोने का शिखर और इस पर चढ़ी सोने की परत इसकी समृद्धि का उत्तर अपने आप दे देती है। यहाँ हर रोज करीब 50,000 लोग आते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर दिन 3 बार भोजन कराया जाता है, वो भी मुफ्त। वैसे अगर आप रात के समय यहाँ जाते हैं तो सोने और चांदी से चमकता ये मंदिर अलग अलग रंगों की लाइट के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने विष्णु मंदिरों में गिना जाता है और यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। खास तौर से सालाना निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान तो यहाँ आने वाले लोगों की गिनती करना बेमानी है। इस मंदिर की खूबसूरती और शिल्प कला देखने योग्य है। यहाँ सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ही 209 किलो सोने से सजाई जाती है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ है और कहा जाता है कि यहाँ 5 तहखाने भी हैं, जहाँ बेशुमार संपत्ति है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया है। 5. साईं मंदिर, शिरडी, नासिक। साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं।
ये मंदिर उसी शिरडी में स्थित है जहाँ साई बाबा ने अपना जीवन व्यतीत किया था और अपने चमत्कारों और दया भाव से लोगों की सहायता की थी। साई बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं सिर्फ वही 94 किलो सोने से बना है और उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके बाद कहा जाता है कि साई बाबा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में 1800 करोड़ रुपए, 380 किलो सोना, 4500 किलो चांदी और काफी संख्या में विदेशी मुद्रा भी है। यहाँ की सालाना कमाई 320 करोड़ रुपए के लगभग सबसे ज्यादा है। सबके बाद ये मंदिर इस लिस्ट का हकदार कैसे रहा और साई बाबा के सभी भक्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर। 4. श्री वैष्णो देवी जम्मू। जमीन से 5200 फीट ऊपर लाखों साल प्राचीन गुफा में बना ये मंदिर देवी वैष्णवी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और यही कारण है कि इस रास्ते की तमाम दिक्कतों के बावजूद यहां हर साल लाखों की संख्या में माता के भक्त आते हैं। इस मंदिर में हर साल 500 करोड़ तक दान दिया जाता है। तो दोस्तों जरा कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन माता श्री वैष्णो देवी के दरबार में गया है। 3. गुरुवरयप्पन मंदिर, गुरुवयूर, केरला। केरल के गुरुवयूर में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण का है और इसे दक्षिण की द्वारका भी कहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ चुंबकीय शक्तियां हैं जिसके कारण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून की अनुभूति होती है। यहाँ हर दिन 50,000 लोग जाते हैं और यहाँ की कुल संपत्ति करीब 2500 करोड़ रुपए है। 2. तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। 10वीं शताब्दी में बना श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 30,000 लोग आते हैं और त्योहार के समय तो ये आंकड़ा 5 लाख को पार कर देता है। यहाँ बहुत से लोग अपने बालों को भी दान कर देते हैं जिन्हें बाद में बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर इस मंदिर की सालाना कमाई 650 करोड़ के करीब है और कुल संपत्ति 37,000 करोड़ के ज्यादा है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, यहाँ हर साल 3,000 किलो से ज्यादा तो सोना ही दान दिया जाता है। आखिर भगवान तिरुपति की महिमा ही इतनी है। 1. पद्मनाभा स्वामी मंदिर, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बना ये मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही मनोरम इसका इतिहास भी है। इस मंदिर की कहानियां पुराणों से जुड़ी हैं और यही बात इसकी प्राचीनता पर मोहर लगाती है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ सालों पहले जब इस मंदिर के 6 में से 5 तहखाने खोले गए तो इसमें से 1,00,000 करोड़ का खजाना मिला था जिसमें सोने के आभूषण, प्राचीन मूर्तियां, हीरे मोती और ना जाने क्या क्या निकला था। यहाँ मिली महाविष्णु की मूर्ति ही 500 करोड़ से ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। आप इनमें से कौन कौन से मंदिर में जा चुके हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। ओके फ्रेंड्स, सो मतलब 10 से लेकर जब हम 1 पे आए ना तो देखें है तो मंदिर है सारे तो सभी अपने आप में खूबसूरत हैं। देखिए वो 10 से स्टार्ट होते होते फिर नंबर 1 पे आया और नंबर 1 पे था पद्मनाभस्वामी टेम्पल केरला में जो है। इसमें बताया गया कि जब उस इस टेम्पल के 5 तहखाने खोले गए तो सिर्फ 1,00,000 करोड़ का खजाना वहां पे पाया गया उधर। तो ये तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट टेम्पल है पूरी दुनिया की और इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की। और यार कितना खूबसूरत, किस तरह से खूबसूरती से बनाया गया है और हर मंदिर अपने आप में खूबसूरत है। लेकिन एक तो ये पद्मनाभस्वामी मुझे अब बहुत प्यारा मंदिर लगा और उसके अलावा एक मैंने जिसका जिक्र किया था ना वो जो गोल्ड से बताया गोल्ड, था हाँ। बना हुआ है। और आप लोग मुझे बताएं कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये वही वाला मंदिर है जो रब ने बना दी जोड़ी में भी हमें दिखाया गया था जिसमें अनुष्का शर्मा आती हैं शाहरुख खान के मुझे साथ। तो ये वही लगा। फिर नंबर 2nd में जो तिरुपति बालाजी थी ना आंध्र प्रदेश में तो वो भी उधर भी हमें बताया गया कि एक तो बड़ी एक बात बताई गई कि लोग अपने बाल भी बाल दान करते हैं, कुछ टाइम बाद वो बाल जो है बेच दिए जाते हैं। और ये भी बताया था कि उसमें 30,000 लोग आते हैं और जब वहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ 5 लाख तक लोग आ जाते हैं। तो जी 650 करोड़ रुपए सालाना यहाँ पर उनको बनता है और टोटल जो यहाँ की मतलब रेवेन्यू है 37,000 करोड़, मतलब मुंह से बोलना कहना आसान है। और उसके अलावा जो जो टेंपल्स हैं, मैंने यही बोला कि ये टेंपल्स हैं, हो गए मस्जिद होगी या चर्चेज होगी, ये सब
जगहें हैं वर्शिप करने की, तो ये तो खूबसूरत है ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमने बेसिकली इसमें देख रहे थे रिचेस्ट कौन से है ना, तो ये दो तो सबसे रिचेस्ट है। फिर एक साई बाबा का मंदिर आया था और बताया गया कि यहाँ पे मतलब हर मजहब के हर धर्म के लोग आते हैं इस मंदिर में। मतलब है कि और शिरडी में है जहाँ पे साई बाबा ने अपनी लाइफ गुजारी थी और मुख्तलिफ चमत्कार किए थे। साई बाबा जिस सिंहासन पे बैठते हैं वो 94 किलो सोने से बना हुआ है और साई बाबा का जो बैंक ट्रस्ट है उसमें 1800 करोड़ रुपए हैं और 380 kg सोना है वहाँ पे और जो टोटल हाँ रेवेन्यू है वो है 320 करोड़ रुपीस। मतलब कहना आसान है। हाँ, और एक टेंपल दिखाया गया जो एक गुफा के अंदर बना हुआ है, श्री वैष्णो देवी उस टेंपल का नाम था, जम्मू में वो है। और कहते हैं कि उसके रास्ते में दिक्कतें आने के बावजूद वहाँ लाखों में लोग आते हैं और वहाँ पे कोई इतनी आसानी से पतरते आ भी नहीं सकता बहुत। हाँ, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि वो आते हैं वहाँ पर। करीबन 500 करोड़ रुपया वहाँ दान किया जाता है। अब इसमें मतलब काफी, मतलब हमने तो कभी सोचा नहीं था इतनी नॉलेज हमको मिलेगी। और यार हर टेंपल अपने अपने लिहाज से बहुत खूबसूरत है। बेसिकली इस वीडियो में जैसे सुलेमान आपको पहले बताया कि ये बताया जा रहा है कि रिचेस्ट टेंपल इसमें कौन सा है, टॉप 10 ना। तो और मतलब खूबसूरती भी एक तो आप देखे ना तो आप कहते हैं यार रुक जाओ थोड़ी देर देखते, और उसके अलावा ये है कि लोगों को वहां जाके सुकून मिलता है। हाँ, और एक टेंपल ऐसा था कि वहां बताए थे वहां पे कुछ ऐसी पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, मैग्नेटिक इस तरह लोग जब वहां जाते हैं तो उनको सुकून मिलता है वहां जाके। और वहां पे भी बहुत ज्यादा की तादाद में बताया जा रहा था लोग थे। तो थोड़ा सा नाम उस टेंपल का लेने में ये है कि हम गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाह रहे, केरला में बहरहाल वो टेंपल था। तो आप ये बताएं कि इनमें से आपने कौन से टेंपल्स विजिट किए हैं, इस वीडियो में ऐसा जो अभी तक हमें ना पता चला कोई ऐसे पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो जरूर ऐड करें। और एक जो मैंने सवाल पूछा था, वैसे तो एक नॉर्मल सा सवाल है कि क्या वो रब ने बना दी जोड़े वाला टेंपल ही था जो गोल्डन था, वो ही था। तो वो जरूर मुझे बताइएगा। एंड बहुत ही खूबसूरत टेंपल्स हैं और इनके नाम हमें पता चले, इनको देखने को हमें मिला, इन्फॉर्मेशन मिली, नॉलेज में इजाफा हुआ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। कुछ हम लोगों ने भूल गए हों तो आप ज़रूर ऐड करें और अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। रिएक्शन अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग नए नए रिएक्शंस लेके आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।